ऐसी खबरें आ रही हैं निकलकर जिनमें आप अमेरिका का अलग अलग रूप देखेंगे। एक तरफ कनाडा के 41 राजनयिकों के निकाले जाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका को क्या सूझी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइलों को ही तबाह कर दिया है। जानेंगे पाकिस्तान के मिसाइलों को अमेरिका ने कैसे तबाह कर दिया है। हाल फिलहाल में तो अबाबिल का परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद ये कौन सा नया बड़ा तांडव शुरू हो गया है अमेरिका का। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले बात करें कनाडा की, तो कनाडा के 41 राजनयिक यहाँ से निकल गए और उसके बाद हमें इंतजार था कि इसके सगे भाई क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है कनाडा के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का टिप्पणी और टीका जरूरी था। टीका टिप्पणी दोनों आया। एक तरफ अमेरिका ने कहा कि देखो ये तो हम चिंता व्यक्त करते हैं, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन आया सामने और ब्रिटेन ने भी कहा कि नहीं ये गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ, इस तरीके से राजनयिकों को नहीं निकालना चाहिए भारत को। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने की कनाडा सरकार की मांग के जवाब में हम कनाडा के राजनयिकों के भारत से प्रस्थान से चिंतित हैं। उन्होंने ये बातें कही, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि अब जो होना था वो तो हो गया, कनाडा के राजनयिक निकल गए। अब दूसरी तरफ कुछ एक्शन हो रहे हैं और ये एक्शन क्यों हो रहे हैं इसको क्रम से समझिए। अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट हड़कंप मचाती है। क्यों ये रिपोर्ट हड़कंप मचाती है, क्योंकि अमेरिका की ये रिपोर्ट कह रही है कि चाइना के पास हमने सोचा था कि 500 एक्टिव परमाणु मिसाइलें हैं, परमाणु हथियार हैं, लेकिन 2030 तक यानी मात्र 6 से 7 सालों में चाइना 1000 करेगा, यानी अपने मिसाइलों की संख्या डबल करेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ने कुछ और भी चीजें कही। अमेरिका ने कहा कि अचानक से चाइना ने बदलाव लाना शुरू कर दिया है और चाइना मिसाइलें बहुत लंबी रेंज की ज्यादा बना रहा है। उनके जो रिसर्चर हैं, स्क्रीन पर एक कटिंग देख रहे हैं आप, झोउ चेनमिंग, इस रिसर्चर ने कहा, जो बीजिंग के रहने वाले हैं, युआन वैंग मिलिट्री साइंस और टेक्नोलॉजी के थिंक टैंक के मेंबर हैं, इनका कहना है कि देखो अगर 2030 तक अमेरिका ये सोच रहा है कि हम बना लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ रेट है। झोउ ने आगे कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें भी अपना स्टॉक बढ़ाना है। वैसे आपको बता दें इन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में बनाने से कोई फायदा नहीं है, और ये सच भी है। जैसे कि इस कटिंग में देखिए, अमेरिका के पास करीब 3,708 वॉरहेड हैं, लेकिन काम के मात्र 1,770 हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इन्हें मेंटेन करना पड़ता है, वरना ये खराब हो जाते हैं और खराब होने के बाद इनको फेंकना पड़ जाता है, नष्ट करना पड़ जाता है। तो चाइना के बारे में ये कहा गया कि जब 20वीं पार्टी कांग्रेस हो रही थी पिछले साल, तब जिनपिंग ने कहा था कि हमें अपने हथियार बनाने होंगे, मजबूत हथियार बनाने होंगे, और इसमें ये कहा गया कि ज्यादातर फोकस करो नेवी के ऊपर और नेवी को हथियार दो। क्यों? तो कहा जा रहा है मेन टारगेट है ताइवान, और चाइना ने देखा कि ताइवान को मदद करने के लिए बार बार उतावला हो रहा है अमेरिका, और अमेरिका बीच में आएगा। अब इसी को सोचते हुए चाइना ने अपने सबमरीन्स को तैयार करना शुरू कर दिया, अपने जहाजों में ऐसे मिसाइल को फिट करना शुरू कर दिया जो लंबी रेंज का हो। अब कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो छोटी रेंज की थी, उन्हें निकाला जा रहा है, उनकी जगह पे बड़ी रेंज की मिसाइलें डाली जा रही है। और ये सब कुछ चाइना क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ताइवान पे हमला हो तो चाइना इसे टारगेट कर सके। ये रिपोर्ट थी अमेरिका की, और इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका का गाज किस पर जाकर टूटा सुनकर एक बार आपको आश्चर्य होगा। लेकिन गाज टूटने से पहले पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को थोड़ा सा देखिए।
वायर की एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अचानक से भारत के लिए कंसर्न पैदा हो गया था जब हाल ही में अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में पहुंचे थे। हालांकि उस समय ये कहा गया कि देखो हम भी तो आपके G20 में कश्मीर में गए, हमारे लिए तो मायने नहीं करता है। उसी तरीके से पाकिस्तान में जो राजदूत है वो पाकिस्तान के उस इलाके में गए। डोनाल्ड ब्लोम की इस यात्रा के बाद भारत को लगा था अमेरिका करना क्या चाह रहा है। 3 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान की कैबिनेट अप्रूव करती है एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने के लिए अमेरिका से कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लीजिए, डिफेंस के मामले में दोनों देश एक बार फिर को आ जाइए। अब क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इन्हें पता है कि अमेरिका से ठीक ठाक फायदा होता है। बात तो सही है। अब उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन करने का एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले की ये खबर है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के ऐसे रिश्ते को देखकर आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया वाला रिश्ता है, दोनों के बीच में दोस्ती फल फूल रही है। पर बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट को देखिए, अमेरिका ने 3 चाइना बेस्ड कंपनी जो पाकिस्तान को मिसाइल पार्ट्स देते थे उन पर बैन लगा दिया। अब बैन लगाने के बाद पाकिस्तान भी चौंकेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स को रुकवा दिया अमेरिका ने। भारत के लिए तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो अमेरिका ने किया। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने अबाबिल का परीक्षण किया था जिसमें पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा साफ साफ दिख रही थी, और अब जाके भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कहा क्यों गया और क्यों एक्शन लिया गया उसको देखिए। जिस रिपोर्ट की बात हम लोग अभी तक कर रहे थे उस रिपोर्ट का नाम है चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2023, और ये थर्सडे को गुरुवार को रिलीज की गई। और इस रिलीज में ये कहा गया कि देखो रूस चाइना के लिए उतना मायने नहीं करता है, रूस एक रणनीतिक पार्टनर है और जिस तरीके से सिचुएशन रहेगा उस तरीके से काम करेगा रूस के साथ चाइना, लेकिन पाकिस्तान इसका ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनर है और ये पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान को ये बेहद मजबूत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसे भारत को काउंटर करना है, भारत को नोक पर रखना है, इसलिए ये रूस को समझता है कि रूस खिलाफ नहीं जाएगा भारत के, इस वजह से ज्यादा ग्रोथ दे रहा है तो पाकिस्तान को। और कहा जा रहा है अमेरिका ने यही सोचते हुए 3 कंपनियां जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लूलू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड झेंगझोउ यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड पर बैन लगा दिया है। अब ये तीनों ही कंपनियां बड़ी काम की है पाकिस्तान की। स्क्रीन पर कटिंग देखिए, जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये सप्लाई करती है ब्रेजिंग मटेरियल जिसका इस्तेमाल होता है जॉइंट कंपोनेंट बनाने में, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन में और चैम्बर्स के निर्माण में। इसके अलावा बीजिंग लूलू ये बनाती है मशीनरी और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। झोंगझोउ यूटेक ये बनाती है ग्लास फाइबर, क्वार्ट्ज फैब्रिक, सिल्का क्लोथ जो मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों ही कंपनियों पर एक्शन ले लिया है अमेरिका ने। वैसे ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।